हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका, वी आर डूइंग द नोवेल कांतापुरा रिटन बाय राज रव इन अर्लियर वीडियोस, वी हैव डन द बिगनिंग ऑफ द नोवेल, वेर राजा रव डिस्क्राइब ज्योग्रफिकल एरिया ऑफ कांतापुरा, क्रॉप्स इन कांतापुरा एंड एक्सपोर्ट ऑफ दोज क्रॉप्स एंड देन ही डिसक्राइब द गोड कंचमा कंचमा हू इज़ द गुडस ऑफ कंतापुरा

उसके पास पंद्रह एकड़ उपजाऊ भूमि है और बीस एकड़ उसके पास ड्राई लैंड है सूखी जमीन है ही हैड सिटीवेज़ उसके जो तौर तरीके हैं वो भी शहरों जैसे हैं एंड ही कॉल्ड हिमसेल्फ अ गांधी मैन और वो अपने आप को एक गांधी मैन कहता है गांधी के नक्शे कदम पर चलने वाला व्यक्ति कहता है गांधी का फॉलोवर कहता है अनुयायी कहता है बट टू ईयर्स बैक देर वॉज़ अ टर्न इन हिज लाइफ दैट ही गेव अप हिज बूट्स एंड हैट एंड हैड टेकन टू धोती एंड खादी कि दो साल पहले उसने बूट हैट ये सब कुछ पहनना बंद कर दिया और धोती और खादी पहनने लगा वो महात्मा गांधी की ही तरह बट देर इज़ अ ड्राबैक इन हिज करेक्टर दैट ब्रैगेट ब्रैगेट मीन्स डींगे मारना शेखी बधारना कि वो डीगे बहुत मारता है एंड दिस इज़ द ड्राबैक इन डोर हेयर नरेटर कंपेयर्स डोर टू मूर्ति

अचक्का ये कहती है कि अगर मेरे कोई ग्रैंड डोटर होती अगर मेरे कोई पोती होती तो मैं निश्चित रूप से उसका मैच मूर्ति के लिए सोचती वो कहती है कि मेरा बेटा है शीनू वो और मूर्ति बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और वो दो भाइयों की तरह से ही हैं उनकी जोड़ी ऐसे लगती है जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी है बस एक सीता की ज़रूरत है ताकि वो कंप्लीट हो जाएं कॉफ़ी प्लान्टर है रमैया वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाता है मूर्ति के लिए लेकिन ये रिश्ता नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ़ होरोस्कोप होरोस्कोप मीन्स जन्मपत्री क्योंकि आपस में उनकी जन्मपत्री मैच नहीं करती इसलिए रिश्ता नहीं हो पाता आफ्टर दैट राजा राव डिस्क्राइब द डिफरेंट कास्ट इन कांतापुरा ब्राह्मण क्वार्टर पेरिया क्वार्टर पोर्टर्स क्वार्टर वीवर्स क्वार्टर शुद्र क्वार्टर सो कांतापुरा हैज़ ऑल दीज कास्ट सो हेयर द राइटर डिस्क्राइब्स द हाउसेज ऑफ ईच कास्ट नरेटर हेयर आल्सो डिस्क्राइब्स कंथापुरेश्वरी टेम्पल दिस इज द टेम्पल हेयर यू विल फाइंड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वन डे मूर्ति फाउंड अ लिंगा इन बैकयार्ड एक दिन मूर्ति को अपने पीछे आंगन में एक शिवलिंग मिला ओल दो इट वॉज अ स्टोन बट इट हैज़ प्रॉपर शेप एंड इट इट्स वेरी फाइन हालांकि वो सिर्फ एक पत्थर का ही टुकड़ा है लेकिन वो इतना फ़ाइन है इतना ब्रिलियंट है कि कोई भी उसको देख के ये कहेगा कि ये शिवलिंग है उस दौरान क्या हुआ शहरों के लड़के थे जो गांव में आए हुए थे छुट्टियां बिताने के लिए उन्होंने मिट्टी की दीवार बनाई टाइल की रूफ बनाई ताकि वो इस गोड को प्रोटेक्ट कर सकें मीन्स मूर्ति डिसाइडेड टू तो अनअर्थ इट एंड वॉश इट एंड अस्टेब्लिश इट एज अ गोड आफ्टर दैट पोस्ट मास्टर सूर्यनारायण सजेस्टेड दैट ब्रदर वाई नोट स्टार्ट अ शंकर जयंती कि अब हमने इस शिवलिंग को यहाँ स्थापित कर लिया है क्यों ना हम शंकर जयंती बनाना स्टार्ट करें जिस दिन इस शिवलिंग की स्थापना की है हम हर महीने के इसी दिन को एक फीस्ट का आयोजन करेंगे एक भोज का आयोजन करेंगे तो सबसे पहले भट्टा कहता है कि लेट द फर्स्ट बी माइंड कि सबसे पहले आयोजन मैं करूँगा उसके बाद नंजुंदिया कहता है उसके बाद वेंकटेशिया कहता है और लास्ट में रंगमा कहती है कि ठीक है जो फोर्थ डिनर होगा वो मेरी तरफ से होगा अगर उसके बाद कोई आगे नहीं भी आता तो हमेशा के लिए डिनर मेरी तरफ से होगा जो भोज मैं करवाया करूँगी वो मैं ही करवाया करूँगी बिकॉज आई हैव सफिशियंट अमाउंट एंड आई एम द ओनली वन टू कंज्यूम दैट अमाउंट एंड सो द शंकर जयंती वाज स्टार्टेड दैट वेरी डे और तब से वहाँ पर शंकर जयंती मनाई जाने लगी सो so, यहाँ आपका एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ शंकर जयंती वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विश डेट तो शंकर जयंती कैसे मनाई गई बिकॉज मूर्ति एस्टेब्लिश एलिंगा एंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे एवरी मंथ पीपल ऑफ कंथपुरा ऑर्गेनाइज आ फीस्ट आफ्टर दैट लंगा फादर रमा कृष्ण्या हु आज़ एन ओल्ड इंटेलिजेंट मैन जो एक गांव का बुज़ुर्ग समझदार व्यक्ति है जिसको नॉलेज है वेदों की उसने कहा कि शंकर जयंती पर जो मंत्रों का उच्चारण होगा जो भी पूजा पाठ होगा वो उसके द्वारा किया जाएगा रमा कृष्णन ने जब एक एक करके चैप्टर्साने सुनाने स्टार्ट किए बड़े ही शांत आवाज़ में बड़े ही मधुर आवाज़ में तो जो सुनने वाले थे वो अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछने लगी कि मीन्स वो इतने ज़्यादा कैप्टिवेटेड हो गए इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गई वो बातें सुनकर देन दे बिगेन टू ले लीव्स फॉर डिनर और उसके बाद वो डिनर के लिए वहाँ से गए डिनर के समय सभी रेडी थे कि आई शैल सर्व कि मैं सर्व करता हूँ सो ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ कांथपुरा इज़ रेडी टू सर्व डिनर और टू गिव हिज और हर कॉन्ट्रीब्यूशन देन समटाइम्स देयर यूज टू बी हरी कथा वहाँ पर कई बार हरी कथा भी सुनाई जाती थी शास्त्री हु वॉज़ अ पोएट एंड ऑल्सो ओनर्ड बाई महाराजा ऑफ मैसूर शास्त्री जो एक कवि थे महाराजा ऑफ मैसूर ने उनको सम्मानित भी किया था उनकी मधुर आवाज़ के लिए उनकी प्रजेंटेशन के लिए तो वो हरी कथा सुनाते थे उन्होंने हरी कथा में एक बार सुनाया था कि पार्वती ने किस तरह से भगवान शिव को जीता और जो पोइट्री थी वो उनकी उन्हें मुझ पर नहीं याद थी उन्हें कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी ही रिमेंबर्ड एवरी थिंग नाउ शंकर जयंती वॉज ओवर द एयर लुकड एम तो इस तरह से शंकर जयंती सेलिब्रेट की गई बट अ न्यू आइडिया केम इन टू मूर्ति इज माइंड मूर्ति कम्स टू अस एंड सेज आंट वट डू यू थिंक ऑफ हैविंग द राम फेस्टिवल द कृष्णा फेस्टिवल द गणेश फेस्टिवल मूर्ति ने सोचा अपनी आंट से डिस्कस किया कि जिस तरह से हमने शंकर जयंती मनाई इस तरह से क्यों ना हम राम जयंती बनाएं, कृष्ण का त्यौहार बनाएं, गणेश का त्यौहार बनाएं वी शैल हैव मंथ्स भजन एवरी टाइम एंड वी शेल कीप द पार्टी गोइंग हम पूरा महीना हमारे गाँव में भजन चलते रहेंगे और इस तरह से जो हमारी पार्टी है हमारे जो उत्सव हैं वो भी चलते रहेंगे लेकिन मूर्ति कहता है कि ये सब सेलिब्रेशंस कंटिन्यू चलने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आंट कहती हैं कि अगर कोकोनट की ज़रूरत है शुगर कैंडी की ज़रूरत है या कोई और ईटेबल आइटम की ज़रूरत है सो आई एम रेडी इन दैट केस टू गिव दैट थिंग लेकिन मूर्ति कहता है कि सिर्फ खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है बल्कि त्योहारों के लिए और अरेंजमेंट्स भी करने होते हैं शाम के समय अच्छा म्यूज़िक चले हरी कथा सुनाने वाले बहुत अच्छे इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो जैसे कि बेलूर नाराहारी चंद्रशेखरिया तो इन सब के लिए हमें कैश की ज़रूरत पड़ेगी आंटी हैरान हुई उन्होंने कहा डू यू थिंक दे विल कम हेयर कि तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग हमारे यहाँ आएंगे कोर्स आंट एंड वट डू यू थिंक पे दैम टेन रुपीज़ एंड गिव दैम देयर कार्ड फेयर एंड रेलवे फेयर एंड दैट विल डू वो मूर्ति कहता है लेकिन उनको आने के लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा उनकी कार्ट का फेयर लगेगा गाड़ी का जो किराया है वो लगेगा रेल का किराया लगेगा और इस तरह के और भी जो एक्सपेंसेस हैं वो हमें करने पड़ेंगे दे डोंट आस्क फॉर पैलेंट and एंड वी शैल हैव हरी कथा सच एज नोवन हैज़ एवर हर्ट और सीन इन कांतापुरा और वो इस तरह की हरी कथा सुनाएंगे जैसे कांतापुरा में पहले कभी किसी ने नहीं सुनी होगी आंटी कहती है ओल राइट माई सन एंड हाउ शुड वी पे कि ठीक है फिर हमें कितना पे करना पड़ेगा आंटी को पता है कि मूर्ति शहरों के तौर तरीके जानता है वो उससे ज़्यादा बेटर तरीके से जानता है एंड इन स्पाइट ऑफ दैट ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन वो कहता है आंटी वन रुपीज़ जस्ट वन रुपीज़ एंड इफ देयर इज़ सम मनी लेफ़्ट वी शैल ऑलवेज़ यूज़ इट फॉर होली वर्क कि और अगर इसमें से भी कुछ पैसा बचेगा तो हम इसको और अच्छे कामों के लिए इन्वेस्ट करेंगे नरेटर रचक्का कहती है आरोपी वॉज अ लॉड टू मी कि एक रुपया मेरे लिए बहुत है कि हालांकि मेरे पास सात एकड़ ज़मीन है उपजाऊ बारह एकड़ ड्राई लैंड है सूखी ज़मीन है लेकिन हाँ वो मेरे और मेरे बेटे शीनू के लिए सफिशेंट है पर्याप्त है कि हमारा तीन समय का खाना बहुत आराम से चलता रहे आरोपी का मतलब है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ माई रेनव्यू एंड अल्टीमेटली शी आस्क दैट वन डिड वी एवर पे इट इन टाइम फर द रूपीज इज़ फॉर द गोड पर वो सोचती है कि ये जो पैसा है ये भगवान के लिए है एंड इट इज़ मूर्ति दैट आस्क फॉर इट और ये मूर्ति है जो ये पैसा मांग रहा है मीन्स एक ओनेस्ट पर्सन एक अच्छा पर्सन ये पैसा मांग रहा है वी ऑलवेज ब्लेस हिम भगवान उनकी हमेशा सहायता करे आफ्टर दैट मूर्ति वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस टू कलेक्ट द मनी आंटी के दिमाग में एक बात आती है कि वो मूर्ति पैसा कलेक्ट करने के लिए जा रहा है क्योंकि वो गांधी का फॉलोवर है तो वो निश्चित रूप से पोल्ट्री के क्वार्टर में भी जाएगा वीवर के क्वार्टर में भी जाएगा शूद्र के क्वार्टर में भी जाएगा आई क्लोज माई ईयर्स वैन आई हर्ड ही वेंट टू पेरियाज क्वार्टर और अगर मैंने सुना कि वो पेरियाज़ के क्वार्टर में भी गया है तो मुझे निश्चित रूप से अपने कान बंद कर लेने चाहिए क्योंकि उस वक्त कास्ट बहुत डोमिनेंट हुआ करती कुछ कास्ट बहुत डोमिनेंट हुआ करती जो अपने से लोअर कास्ट के साथ मिक्सअप नहीं हुआ करती आंटी सोचती हैं कि मूर्ति एक गांधी मैन है गांधी जी के नक्शे कदम पर चलने वाला व्यक्ति है गांधी जो ये कहता है कि कोई कास्ट नहीं या कोई जाति वाति कुछ नहीं है परिवार है वो कुछ नहीं है फैमिली क्लैन कुछ नहीं है एंड येट दे प्रे लाइकस एंड दे लीव लाइकस और हम सब एक दूसरे की तरह से ही जिए वन शुड नॉट मैरी अर्ली वन शुड नॉट अलाउ वन शुड अलाउ विडोज टू टेक हजबेंड्स एंड अ ब्राह्मण माइट मैरी अ पेरिया एंड पैरिया अ ब्राह्मण गांधी जी की विचारधारा है कि विधवा पूर्ण विवाह होना चाहिए एक जो ब्राह्मण कम्युनिटी का पर्सन है वो एक पैरिया कम्युनिटी के पर्सन से शादी कर सकता है एंड रिवर्स पैरिया कम्युनिटी का पर्सन ब्राह्मण कम्युनिटी के पर्सन से शादी कर सकता है अब ये सारी बातें वो सोच रही हैं और वो सोचती हैं वी शैल बी डेड बिफोर द वर्ल्ड इज़ पोल्यूटेड अचक्का जो एक बूढ़ी महिला है पुराने विचारों वाली महिला है और ये नोवेल बहुत पहले लिखा गया है उस टाइम का जो सिस्टम था उसमें ये था कि अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है दूसरी जाति में विवाह होता है तो उससे जो हमारा संसार है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा वो दूषित हो जाएगा तो वो कहती है वी शैल बी डेड बिफोर द वर्ल्ड इज पॉल्यूटेड कि ये संसार दूषित हो इससे पहले हे भगवान हमें उठा ले वी शैल हैव क्लोज आवर आइज़ हमें अपनी आँखें बंद करनी होंगी आफ्टर रोमिंग इन द विलेज कंथपुरा मूर्ति कलेक्टेड गैदर्ड अ हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन रुपीज़ फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स ईच एंड एवरी पर्सन कंट्रीब्यूटेड मनी अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड अल्टीमेटली जे आ रमाचार आ हरी कथा पर्सन इज इन्वाइटेड इन दिलेज टू री साइड हरी कथा यहाँ आपका एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ मूर्ति कलेक्टेड मनी टू सेलिब्रेट this festival and the answer is he collected the money from the villagers and celebrate this occasion thank you